गुरु जी लख लख शुकराना, अनंतम शुकराना। संगत जी, इतना प्यारा त्योहार है राखी का कि एक भाई से एक बहन कहती है कि मेरी रक्षा करो, और आजकल तो वो रिश्ते ही ना मतलब ऐसे हो गए हैं। अभी एक प्यारा सा बड़ा सॉन्ग सुन रही थी मैं, उसने गाया है, नाम मुझे याद नहीं है, बड़ा अच्छा गाती है वो, भाई प्यार भाई बहन का, कि अब तो राखी भी डाक से जाती। मतलब सच में ऐसा हो गया है कि इन दिल्ली में रहते हुए भी ना कुछ टाइम से, जैसे कोविड था या जो भी था पीछे, तो जा नहीं पा रहे थे लोग, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो दूर होते हैं तो वो सोचते हैं चलो वैसे ही भेज देते हैं राखी। पर गुरु जी ना, मतलब गुरु जी ने अपने ऐसे बंधन में बांध दिया, जो भी मैंने वो लाइन चलाई थी कि किस बंधन में बांध दिया मेरा मन अधीरा। हम इतने अधीर रहते थे, हर वक्त हम ढूंढते थे एक ऐसा भाई जिसको हमसे कोई ख्वाहिश ना हो, जो हमसे कुछ नहीं चाहता। जो आजकल के रिश्ते हैं, सच में ऐसा तो मेरा कोई सगा भाई नहीं है, पर मेरे मामी मासियों के बच्चे हैं, पर कहीं ना कहीं हर जगह पे ना ये होता है कि मतलब सिर्फ एक राखी का त्यौहार होता है, टिक्के का त्यौहार होता है, कि फोन आता है कि आप आ रहे हो, बस इतना ही होता है। काफ़ी टाइम से सब बिजी हैं, अपनी अपनी लाइफ में मगन हो चुके हैं, सबकी जॉब्स हैं, नहीं मिलते रिश्तेदार। पर हमारे गुरुजी के दरबार में जाने के लिए मुझे लगता है रोज रक्षाबंधन है। जब मैं मंदिर में जाती हूँ तो मैं तो ना मतलब ऐसे करती हूँ कि जैसे मैं ऐसे हाथ में ना झूठ मूठ का तिलक लेती हूँ और गुरुजी का स्वरूप देखती हूँ और उनको लगा लेती हूँ, ऐसे ऐसे करके लगाती हूँ, तो वो एक भाव होता है मन में। और जब से हमें गुरुजी मिले हैं तब से हमारा मतलब उन्होंने हमारे पाप पुण्य तो पाप तो हमारे सारे बख्श ही दिए। हम इतने पापी, हम पता नहीं कितनी हमने निंदा, चुगलियां, गलत काम, लोगों के साथ मतलब कुछ भी हमने पैसा कमाने के लिए, मैं अपनी बात नहीं करती, हम आप कोई भी हो सकते हैं, बहुत हम गलत काम करते हैं, करते आए हैं। पर जब एक गुरु जीवन में आ जाते हैं तो एक डर होता है। डर, गुरु जी कहते हैं मुझसे मत डरो, मैं तो तुम्हारा बाप हूँ, मैं तुम्हारा भाई हूँ, बंधु हूँ, माँ हूँ तुम्हारी, गलत काम करने से डरो। तो जब गुरु जीवन में आते हैं तो गलत काम की तरफ कदम बढ़ता ही नहीं है, और अगर बढ़ता है तो कहते हैं ना तू ही मेरी लाज का पहरेदार है, तो ये हमारी लाज आके फटाफट बचा लेते हैं, ये सच है बिल्कुल। और हमें ना उस समय रोक देते हैं, अगर हम कुछ भी गलत करने जा रहे होते हैं ना, किसी ना किसी मैसेज के थ्रू या कैसे भी करके घर से ही नहीं निकलने देंगे आप। मतलब ऐसे ऐसे मेरे को लोग अपने सत्संग सुनाते हैं कि वो उनको घर से ही नहीं निकलने देते हैं कि चलो रुक जाओ, कोई ना कोई अड़चन आ जाएगी आपकी, कुछ गलत होने जा रहा है। तो उस समय ना हमें समझ में नहीं आता, हम उस समय सोचते हैं ये क्या हो गया, हमारा काम बनते बनते रुक कैसे गया, हम तो इतने अच्छे काम के लिए जा रहे थे। पर हमें क्या पता होता है कि जिस काम के लिए हम जा रहे होते हैं, जिस इंसान से हम मिलने जा रहे होते हैं, हो सकता है वो हमारा कोई बहुत बड़ा नुकसान करने वाला हो, वो कोई नेगेटिव इंसान हो, और उसकी वजह से हमारा बनता हुआ काम भी बिगड़ जाएगा। हमें तो लगता है वो हमारा बड़ा अच्छा, हमारी डील होने जा रही है, ऐसे बहुत बार होता है, हमारे साथ भी होता है, मेरे बेटे के साथ भी होता है, जब वो अपने टेंडर वगैरह भरता है तो कई बार तकरीबन उसे मिल जाते हैं, पर एक आधा नहीं मिलता तो अब वो बड़ा पॉजिटिव हो गया, तो कहते हैं पापा इसमें हमारी भलाई होगी, और पता चलता है बाद में कि उसमें बड़े सारे कॉम्पिटिटर थे कि जो कि पीछे से ही कुछ कुछ गलत मतलब ऐसा मैसेज देते कि हमारा वो काम खराब हो जाता। तो हमें उस समय हमारा करोड़ों का चाहे नुकसान हो रहा हो, हमारा कुछ भी लाखों का नुकसान हो रहा हो, हमें उस समय भी मालिक का शुक्राना करना चाहिए कि मालिक आपने हमें किसी गलत जगह पे जाने से बचा लिया, क्योंकि हमारी लाज का पहरेदार है ये, और जब इन्होंने वादा कर दिया आपसे कि मैं तुम्हारा रक्षक हूँ, मैं तुम्हारा कल्याण करने आया हूँ, और ये करेंगे करेंगे, आप इनकी पूजा करो ना करो, आप इन्हें मानो ना मानो, सच कहती हूँ मैं, मैंने ऐसे बड़े सारे लोग देखे हैं कि जिन्होंने ना मतलब कि सिर्फ एक बार ही जय गुरु जी बोला, और मैंने ना ऐसे बड़े सारे सत्संग भी सुने हैं, पुराने संगत के भी हैं। अभी मैं पीछे एक आंटी का सत्संग सुन रही थी, वो कह रहे थे कि मेरा जो भाई था ना वो बहुत ही कम जाता था मंदिर, हम उसे कहते थे मंदिर चल, वो जाता ही नहीं था, पर जब भी वो जाता था ना तो उसको ब्लेसिंग मिल जाती थी, और हम तो इतना जाते थे और हमें इतनी जल्दी ब्लेसिंग नहीं मिलती थी। तो यहाँ पे ना गुरु जी ना आपके भाव को ब्लेस करते हैं, आप किस भाव से जुड़े हो। कोई जरूरी नहीं कि जो आज जुड़ा है उसको ब्लेसिंग ज़्यादा मिल रही है, तब सोचो कि फटाफट लोग पूछने बैठ जाते हैं तुम कब से जुड़े हो, उन्हें लगता है तो बड़ा ब्लेस्ड है, तुम कितने साल से जुड़े हो। अरे ये क्वेश्चन तो मैं कहती हूँ कि इससे करना ही नहीं चाहिए,
कितने जन्मों से, कितनी रूहें, अभी आपने सुना रूहियां लबदी रहनी है, कितनी रूहों से हम, कितने जन्मों से अपने परमात्मा से हमारा मिलन हुआ है, हमें कुछ कुछ नहीं पता, पर आज इस जीवन में साक्षात पार ब्रह्म महाशिव के हमें दर्शन हो रहे हैं, हमारे गद्दी पे आके गुरु जी बैठते हैं, हमारे भोग लगाते हैं, हमारी राखी को प्रमाण करते हैं, हमारी हर चीज को वो लेते हैं और उसके बदले हमें ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग देते हैं, तो वो हैं इस दुनिया में। मुझे तो हमेशा साक्षात दर्शन दिखाते हैं, मैं बहुत कम है शेयर करती हूँ, क्योंकि कभी कभी मैं कर भी देती हूँ अपने पेज पे या व्हाट्सएप ग्रुप में, पर ज़्यादातर मैं नहीं करती। जैसे कल की बात है, अमृत वेला हुआ था, तो अमृत वेले के बाद जैसे सब आते हैं संडे को, तो हम भी सो जाते हैं, तो पैर में भोग लगाने गई तो गुरुजी ने पूरी रंगोली के साथ, वाइट कारपेट था उस पर रंगोली बिछी बनी हुई थी और आगे मैंने जगह खाली छोड़ी हुई थी, पूरे चरणों की छाप थी ऐसे करके दोनों पैर रख के, गुरुजी गए साक्षात वो दिखते हैं। मैंने फटाफट अपने अंकल को बुलाया, बेटे को बुलाया, मैंने एक्साइटमेंट हो रही थी कि देखो कैसे गुरुजी बैठे हैं, और बड़ी फ्रेग्रेंस आ रही थी, सुबह से ही आ रही थी, बड़ी संगत ने भी कहा। तो वो अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं, वो आपके भाव से कराते हैं। मैं हमेशा एक ही बात कहती हूँ, किसी को भी कोई सत्संग कराना हो, हमें कोई भी ताम झाम करने की ज़रूरत नहीं होती संगत जी, हमें कोई महंगे महंगे चोले नहीं, कहीं से ले लो चोला, लोगों ने इतने बना रखे होते हैं। कई संगत ना मुझे कहती कि मुझे अपना ही चोला बनवाना है, अपने चोले उन्हें पता नहीं कहाँ से बनते हैं, मार्केट में जाते हैं, ऑनलाइन देखते हैं, फिर 8-8 हज़ार का चोला बनवा लेते हैं, 6-7 हज़ार का, फिर वो ढंग का बनता भी नहीं है। मैं ये नहीं कहती कि मत लो, लो दिमाग लगा लो। जैसे मेरे से कोई पूछता है, मैं कहती हूँ मैं तो कपड़ा ले आती हूँ और यहाँ से स्टिच कराती हूँ, वो बच्चा 500-600 रुपये लेता है सिलाई के, कपड़ा वपड़ा ला के उसको दे दो, हमारा 2500-3000 में बहुत सुंदर चोला बनता है। जैसे अब ये प्योर ब्रोकेट का चोला है, चलो ये थोड़ा सा 500 रुपीज महंगा बन गया होगा, पर 8-8 हज़ार के चोले, 6-6 हज़ार के चोले, गुरुजी ने कहा पैसे नहीं है, अपने पाँव देखो तब पसारो। गुरुजी ये नहीं कहते कहीं से उधार लेके, कहीं से वो लेके तुम कर्जा लेके मेरे को सजाओ। आप सत्संग करना चाहते हो ना, सच में मैं कहती हूँ, आप 5-10 संगत घर के फैमिली मेंबर बैठ के भी सत्संग कर सकते हो, जो घर में बना उसका भोग लगा सकते हो, और अगर आपका भाव है संगत को बुलाने का तो घर में बना लो, एक चीज बना लो, पोहा बना लो, सैंडविच बना लो, कुछ भी घर में बना लो, आलू उबालो, सैंडविच बनाओ, फटाफट खिला दो। ऐसा कुछ नहीं है गुरुजी को कि बड़े हलवाई से रोटी प्रसाद सब्जियां दाल मीठा ये सब बनाना, नहीं, क्योंकि गुरु महाराज भाव के भूखे होते हैं संगत जी, बस ये भाव होने चाहिए, यही भाव परोसा करो। और मुझे तो लगता है कि यहाँ की संगत को तो अब कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, इतनी ब्लेस्ड हो आप लोग, इतनी प्यारी संगत हो, इतने अच्छे से फॉलोअर्स हो, कि शुरू में जब आती थी तो इतना नहीं था, पर अब धीरे धीरे सब इतने अच्छे फॉलोअर्स बन गए हैं कि हर चीज़ को, मैं आज ही आंटी को कह रही थी इन दोनों को कि गुरु जी ना कभी भी मुझे एक जगह पे बार बार नहीं भेजते, सिर्फ चेरी काउंटी में भेजते जहाँ मैं रह के आई हूँ, क्योंकि वहाँ पे मंथली सत्संग की सेवा होती है, वो गुरु जी ने बख्शी हुई है। एक इन आंटी सोनिया आंटी के यहाँ मुझे भेजते हैं, क्योंकि मैं आज इनको यही बात कह रही थी कि अगर यहाँ पर भी बहुत नेगेटिविटी होती, कुछ ऐसे लोग होते कि जो जिद करते, ईगो में रहते, अपनी मनमानियां करते हैं, कहना नहीं मानते सेवादार का, तो मुझे गुरुजी कभी नहीं वहां भेजते, क्योंकि मैं गुरुजी से कहती हूँ गुरुजी बस एक बार बोल दिया, दो बार बोल दिया, मैं तीसरी बार नहीं बोलूँ, क्योंकि आपने मुझे मना किया, आर्ग्यूमेंट नहीं करनी है, क्योंकि गुरुजी ये कहते हैं तू फिर चुप रह जाया कर, फिर मैं बोलूंगा, अगर तू बोलती रहेगी तो फिर मैं चुप हो जाऊंगा, तो फिर मैं कुछ नहीं बोलती गुरुजी, आपकी मर्जी है। तो गुरुजी ने आप सबको इतना पॉजिटिव बना दिया, इतना अच्छा फॉलोअर्स बना दिया, तभी गुरुजी हमसे बार बार यहाँ सेवा ले रहे हैं और हर महीने यहाँ बुला लेते हैं। तो ये क्या है, ये गुरुजी का तो प्यार है ही, और आप सबका इतना प्रेम है कि आंटियाँ आती हैं, आते इतने गले लगाते हैं, इतना प्रेम देते हैं, तो ये तो प्रेम की बात है। उधो बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहाँ सरदे के होते हैं सौदे, ये है बंदगी, कोई कर ही नहीं सकता, यहाँ पे कोई पूजा पाठ अपनी मर्जी से तो कर ही नहीं सकता संगत जी। प्रेम है तो आस्था है, विश्वास है, प्रेम नहीं है विश्वास खत्म। किससे है, गुरु से प्रेम करते हैं ना, तभी तो विश्वास बनता है हमारा। आज हम अपने गुरु से प्रेम ही नहीं जब कर पाएंगे, आएंगे चलो सत्संग में जा रहे हैं, मत्था टेका चाय ली मतलब चले गए, बैठे सत्संग सुना, ठीक है जी हो गई हाजिरी लग गई। प्रेम, जितने लोग यहाँ भाव से बैठ के भी अपनी गुरबानी सुनी है, अपने प्रेम से गुरबानी सुनी है, आस्था से सुनी है, विश्वास से सुनी है, कि आपको पता चल गया कि गुरबानी हमारे कर्मों को काटेगी और हमारी हाजिरी यहाँ पूरी पूर्ण लगनी चाहिए। मैं हमेशा एक ही बात कहती हूँ, कभी भी आधी अधूरी ब्लेसिंग ना लिया करो,
समय से पहले आया करो, पूरा गुरु जी कहते हैं आते रहो तुम अपनी मर्जी से हो पर जाते तुम मेरी मर्जी से हो। अब जब तक गुरु जी आपको अगले लंगर प्रसाद नहीं देंगे आप जा ही नहीं सकते। कुछ होते हैं डीट होते हैं वो चले ही जाते हैं, नहीं 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 हमें नहीं चाहिए हम जा रहे हैं, उनके कर्मों में नहीं है वो लंगर खाना। हो सकता है अभी हम हरिद्वार जब गए थे बहुत बड़ा सत्संग था, 200-250 संगत थी, कितने आगे वालों को लंगर मिला ही नहीं, बाद में मिला, खत्म हो गया, दोबारा आया, पहले पीछे वालों को मिल गया जो बाद में आए थे, आगे वाले जो पहले से आए हुए थे 4 बजे से आए थे उनको बाद में मिला। तो गुरु महाराज ऐसे ही बड़े मंदिर में भी करते हैं, कई बार हमें सबसे आगे बिठाए थे जाके पर लंगर की प्लेट मतलब आती ही नहीं है, बैठे रहो बैठे रहो बैठे रहो, गुरबानी सुनते रहो, कर्म काटते रहो अपने कटवाते रहो। तो इसलिए इनकी रजा में राजी रहना सीख लो, जो ये कहते हैं वो आप लोग मानते ही हो। यहाँ का लंगर प्रसाद मैं देख रही हूँ अभी भी लोग नहीं खा रहे हैं, चाय पी लेते हैं कटोरियां रख लेते हैं, क्यों नहीं खाते हो? और यहाँ पे मैं सच आपको बताऊं, गुरुजी महाराज ने एक व्रत को मना किया है, पहले भी मैंने यहाँ शेयर किया था नवरात्रों में एक बार शायद हम आए थे, व्रत नहीं रखना होता। अगर आपने व्रत रखा है, पहली बार गुरु जी कहते हैं अगर तुम मेरी संगत बन गए हो तो कोई व्रत नहीं रखना, सिर्फ एक करवा चौथ का व्रत गुरु जी ने बोला है, क्योंकि वो कहते हैं उसमें औरतों की आस्था छुपी, अपने पति की लंबी आयु के लिए मैं मना नहीं करता, और कोई व्रत नहीं वो कहते रखो। वो भी गुरु जी कहते हैं चंद तुहाडे सामने बैठा है, तुसीं इस चंद नूं देख के व्रत खोल लिया करो। हम तो बड़े मंदिर जाके व्रत खोलते हैं अपना करवा चौथ का भी, हस्बैंड वाइफ दोनों वहां चल जाते हैं। तो यहाँ पे संगत जी अगर आपका फास्ट होता है तो उस प्रसाद को ना मना मत किया करो, या तो घर से ही मत आया करो अगर आपका व्रत है। अगर आ जाते हो तो जो आपको दिया जाता है वो एक दवाई समझ के खा लिया करो, वो मेडिसिन होती है, वो आपका यहाँ पे वो प्रसाद को वो मत समझो कि वो मट्टी है, वो छोले भटूरे हैं, वो कहाँ से बन के है, उसमें प्याज है लहसुन है, बड़े लोग व्यायाम करते हैं। मैं कहती हूँ गुरु जी ने ऐसे सत्संग करवाए हैं प्याज वाले भी कि लोगों के मतलब, वो मैंने शेयर किया था ना यहाँ पे एक आंटी के सांप निकला था, किया था ना बठिंडा की एक आंटी थी, नहीं किया था एक आंटी थी, चलो छोटा सा सुना ही देती हूँ। आज वैसे रात को मैं यही रहने वाली हूँ और हम कल यहाँ अमृत वेला भी करेंगे, गद्दी ऐसे ही लगी रहेगी, आप सब आंटी का खुला दरबार है, आंटी ने कहा जो यहाँ सोना चाहे वो सो जाए। तो जो